सो गाइस आज की वीडियो में हम बात करेंगे यहाँ पर NX Audio के प्रोटोन एम्पलीफायर के बारे में, जिसका मॉडल नंबर है DX7000 Pro। तो यहाँ पर हम बात करेंगे इस एम्पलीफायर का प्राइस और यहाँ पर इसमें क्या क्या स्पेसिफिकेशन आपको देखने को मिल जाते हैं। साथ ही साथ हम बात करेंगे इस एम्पलीफायर में डंपिंग फैक्टर वगैरह, ये सभी जानकारी तो मैं आपको बताने वाला हूँ। लेकिन यहाँ पर हम बात करेंगे इसमें दो बेस या फिर चार बेस या फिर दो टॉप या फिर चार टॉप हम इसमें कितने हजार वाट का स्पीकर चला सकते हैं, ये सभी जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ इस वीडियो में। तो वीडियो के एंड तक देखते रहेगा और वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ और चैनल में आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल के आइकन में शेयर कर लीजिएगा। तो बात करते हैं यहाँ पर NX Audio के DX7000 Pro के बारे में, जो कि DX7000 भी आप बोल सकते हैं, जो कि ओल्ड मॉडल में DX7000 आता था, अब न्यू मॉडल में प्रो डाल दिया गया है। लेकिन सेम आपका आउटपुट रहता है और एम्पलीफायर भी लगभग सेम ही है आपका। तो यहाँ पर NX Audio DX7000 Pro के बारे में हम बात करेंगे, प्राइस, रिव्यू, स्पेसिफिकेशन। तो यहाँ पर स्पेसिफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं पहले। तो यहाँ पर जो इसका पावर है वो आपको 2 ओम्स के ऊपर 3000 वाट का पर चैनल आउटपुट और यहाँ पर 4 ओम्स के ऊपर 2100 वाट का पर चैनल आउटपुट और यहाँ पर 8 ओम्स के ऊपर 1350 वाट का पर चैनल आउटपुट। और वहीं हम बात करेंगे 4 ओम्स ब्रिज मोड के ऊपर। 8 ओम्स ब्रिज मोड में ये एम्पलीफायर वर्क नहीं करता है जैसे कि कंपनी में लिखा हुआ है। तो 4 ओम्स का ओनली यहाँ पर आपको आउटपुट देखने को मिलेगा। अगर आप इस एम्पलीफायर को 4 ओम्स के ऊपर ब्रिज में चलाना चाहते हैं तो 5600 वाट का लोड आप दे सकते हैं और यहाँ पर डंपिंग फैक्टर इसमें 500 मिल जाता है। क्लास एच का एम्पलीफायर है और नेट वेट जो है 43 kg का एम्पलीफायर है, 43 kg का एम्पलीफायर है, जो कि आपका जो एम्पलीफायर है वो 6000 वाट का आपका फुल लोड में बन जाता है 2 ओम्स के ऊपर। और हम बात करेंगे एम्पलीफायर के यहाँ पर लोड कैलकुलेशन के ऊपर, दो बेस, चार बेस या फिर दो टॉप या फिर चार टॉप हम कितने हजार वाट का चला सकते हैं। तो बात करते हैं यहाँ पर 4 ओम्स ब्रिज मोड के ऊपर। अगर हम इसमें दो बेस चलाते हैं ब्रिज मोड के ऊपर 8 ओम्स वाले स्पीकर पैरेलल कनेक्शन में, तो आपका 5600 वाट आउटपुट दे रहा है 4 ओम्स ब्रिज मोड में, तो आप यहाँ पर 2300 वाट या फिर 2500 वाट का दो स्पीकर आप इस एम्पलीफायर में चला सकते हैं, जो कि कोई दिक्कत नहीं आएगी, काफ़ी अच्छा साउंड मिल जाएगा। लेकिन आपको ये ध्यान में रखना है कि वोल्टेज काफ़ी अच्छा होना चाहिए, फ्लक्चुएट नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पर क्लिपिंग तक बिल्कुल भी आपको नहीं चलाना है, ओवरलोड बिल्कुल भी नहीं चलाना है, आपको 5000 वाट से ज़्यादा लोड डालना ही नहीं है। तो 25 वाट का दो बेस आप चला सकते हैं 4 ओम्स ब्रिज मोड के ऊपर। अब हम बात करते हैं स्टेरियो या फिर पैरेलल, जैसे कि हम रेगुलर मोड हम बोल सकते हैं, जैसे कि हम पर चैनल एक एक स्पीकर चलाएंगे। तो अगर हम एक एक स्पीकर चलाते हैं तो यहाँ पर 1200 वाट का स्पीकर या फिर 1500 वाट का स्पीकर हम चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप 1500 वाट का AS पावर भी चला सकते हैं, 1500 वाट का RMS पावर भी चला सकते हैं या फिर 1600 वाट AS पावर भी चला सकते हैं। तो यहाँ पर 1500 वाट तक आप चला सकते हैं दो बेस अगर आप चलाते हैं तो। अगर हम बात करते हैं चार बेस के ऊपर, अगर चार बेस चलाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर 2100 वाट का आउटपुट आपको मिल जाता है। तो यहाँ पर अच्छा बेस अगर आपको चाहिए तो 1000 वाट RMS पावर में चार स्पीकर आप चला सकते हैं। वही हम बात करेंगे तो 1200 वाट का RMS पावर वाला भी, अगर आपके पास 4 इंच वॉइस कॉइल है 4 इंच वॉइस कॉइल में, तो 1200 वाट का भी स्पीकर आप चला सकते हैं, RMS हो या फिर AS हो, आप चार बेस चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। वहीं हम बात करेंगे चार टॉप के ऊपर, अगर आप चार टॉप चलाना चाहते हैं तो यहाँ पर 2 ओम्स के ऊपर लोड बन जाता है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे पहले दो टॉप के ऊपर, अगर हम इसमें दो टॉप चलाना चाहते हैं तो कितने हजार वाट का स्पीकर हम इसमें लगा सकते हैं। तो अगर यहाँ पर अगर दो टॉप चलाना चाहते हैं, एक चैनल में एक टॉप और दूसरे चैनल में एक टॉप, तो जो इसका स्पीकर रहेगा वो काफ़ी हेवी रहेगा, RMS पावर लगभग एक टॉप का 2000 वाट बनना चाहिए। तो उस इस टाइप के आप टॉप जो है वो आप दो टॉप इस एम्पलीफायर में चला सकते हैं। वहीं हम बात करेंगे यहाँ पर चार टॉप के ऊपर, अगर आप चार टॉप चलाना चाहते हैं इस एम्पलीफायर में तो 600 वाट का डुअल टॉप आप चला सकते हैं, प्लस उसमें HF रहेगा, लगभग 1300 वाट का एक टॉप बन जाता है। तो इस टाइप के चार टॉप आप चला सकते हैं, दो टॉप एक चैनल में, दो टॉप दूसरे चैनल में, काफ़ी अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएगा। और वहीं हम बात करेंगे यहाँ पर NX Audio Proton TX7000 Pro एम्पलीफायर का प्राइस के बारे में, क्योंकि मैंने यहाँ पर सारा चीज़ बता दिया, स्पेसिफिकेशन बता दिया, लोड कैलकुलेशन बता दिया। अब हम बात कर लेते हैं इस एम्पलीफायर का अप्रोक्सीमेटली प्राइस। तो NX Audio DX7000 Pro, जो कि प्रोटोन आप देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा एम्पलीफायर है, एम्पलीफायर के बारे में ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोलूँगा, काफ़ी अच्छा एम्पलीफायर है, NX Audio की तरफ से आता है। तो इसका जो प्राइस आपको पड़ने वाला है वो लगभग 55000 के आसपास आप मान के चलिए, प्राइस कम ज़्यादा हो सकता है, मार्केट में अलग अलग प्राइस होते हैं, तो ये आपके मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है, आपको हो सकता है 50000 में भी मिल जाए। प्राइस अप्रोक्सीमेटली प्राइस मैं आपको बता रहा हूँ, 50000 से लेकर के 55000 के आसपास में आपको ये एम्पलीफायर पड़ सकता है अभी के डेट में। प्राइस आगे जाके कम भी हो सकता है या फिर ज़्यादा भी हो सकता है, ये आपके मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है।
सो अगर आपके पास ये एम्पलीफायर है तो नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा आपका एम्पलीफायर का प्राइस कितना पड़ा था। तो चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही था। वीडियो कैसा लगा वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल में है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन कॉल में सेट कर लीजिएगा, क्योंकि आपको डीजे से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो मिलते रहेंगे हमारे चैनल में। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।